दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस 2021-22 सेशन के लिए वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। कक्षा एक के लिए या 1 अप्रैल से तथा उसके ऊपर की कक्षाओं के लिए, जैसे कि कक्षा एक को छोड़कर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 अप टू क्लास 12, इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा। दोस्तों, क्लास एक के लिए क्या एडमिशन शेड्यूल है ये तो बहुत सारे लोगों को क्लियर है, लेकिन क्लास एक को छोड़कर जैसे कि क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 अप टू क्लास 12, इनके शेड्यूल को लेकर बहुत सारे हमारे मित्रों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि हमने कमेंट्स को एनालाइज किया है उससे पता चलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको कन्फ्यूज़न है क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के एडमिशन के शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या शेड्यूल है क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के एडमिशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th इन पर्टिकुलर क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर जानकारी दी गई और यहाँ पर डेट बताया गया है। तो दोस्तों, क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो 8 अप्रैल 2021 थर्सडे को स्टार्ट होंगे और 15 अप्रैल 2021 थर्सडे को ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए क्लास 11th को छोड़कर, क्लास 11th के लिए अलग शेड्यूल होता है। तो ये कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए क्लासेस के लिए हैं, इसमें क्लास 11th को छोड़ा गया है। क्लास 11th का अलग शेड्यूल होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों, जो सिलेक्शन लिस्ट होती है वो डिक्लेयर होगी 19 अप्रैल 2021 4 बजे शाम को, मंडे के दिन। ये क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक के लिए एक्सेप्ट क्लास 11। उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस होगा क्लास 2 ऑनवर्ड्स, क्लास 2 से लेके क्लास 12 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा 20 अप्रैल 2021 ट्यूसडे से और ख़त्म होगा 27 अप्रैल 2021 ट्यूसडे को। उसके बाद दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th। तो जो लास्ट डेट होगी सभी क्लासेस के लिए एक्सेप्ट क्लास 11th, वो आपकी होगी 31/5/2021, मतलब 31 मई 2021 मंडे तक के लिए। जितने भी एडमिशन हैं क्लास 11th को छोड़कर, उन सब की लास्ट डेट होगी 31 मई 2021। तो दोस्तों, इसके पहले पहले आपको अपने एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर KV स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट के लिए, ये कब होता है स्टार्ट, ये विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। जो क्लास 10th का रिजल्ट है उसके डिक्लेयर होने के 10 दिन के बाद कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है KV स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद KV स्टूडेंट्स के लिए डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट, KV स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन लिस्ट डिस्प्ले होगी वो विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो क्लास 10th रिजल्ट डिक्लेयर होने के 20 दिन के बाद जो एडमिशन लिस्ट होती है क्लास 11th के लिए KV स्टूडेंट्स के लिए वो जारी हो जाएगी। अब दोस्तों, एक नज़र डालते हैं नॉन KV स्टूडेंट्स के लिए। जो नॉन KV स्टूडेंट हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, मतलब अगर वैकेंसी खाली है तब नॉन KV के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये कब होगा, आफ्टर द एडमिशन ऑफ KV स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो जो KV के स्टूडेंट होंगे जब उनका एडमिशन हो जाएगा क्लास 11th में, उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तभी नॉन KV स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी एडमिशन लिस्ट डिस्प्ले होगी और उनका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा क्लास 11th में लिए। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि क्लास 11th में लास्ट डेट क्या होगी एडमिशन की, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। तो CBSE बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उससे 30 दिन के बाद जो क्लास 11th में एडमिशन की डेट है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप क्लास 11th में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक शेड्यूल था कक्षा 2 से लेके कक्षा 12 तक का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये पढ़कर मैं बता देता हूँ आपको। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रेन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड चिल्ड्रेन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट,
टू बी कंपल्सरली डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द केंद्रीय विद्यालय कंसर्न इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो भी चिल्ड्रेन रजिस्टर्ड हुए हैं, जो भी चिल्ड्रेन एलिजिबल हैं, कैटेगरी वाइज कौन कौन से चिल्ड्रेन सेलेक्ट हुए हैं, प्रोविजनली वेटिंग लिस्ट क्या है और जो भी आगे की लिस्ट है, वो सब डिस्प्ले होंगी रिस्पेक्टिव केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर। जैसे आप किसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय, जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए आप फॉर्म भरे हैं, वहाँ की वेबसाइट पर ये लिस्ट डिस्प्ले होगी और उस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले होगी। और दोस्तों यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इफ़ एनी ऑफ द डेट्स हैपन टू बी पब्लिक हॉलीडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स। जैसे कि दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक का, ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ये आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर करना होता है। तो इन केस अगर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से किसी दिन अगर हॉलीडे पड़ जाता है तो उस शेड्यूल का जो नेक्स्ट डे होगा वो कंसर्न होगा, आप अगले दिन जाकर उस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।